गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन बीडीएस की लर्निंग पोर्टल। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 11th एंड द टॉपिक इज इंक्लूजन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ऑफ CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड और इसको दिव्यांग बोलते हैं, हमने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। इंक्लूजन भी उसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे आया हुआ है। हमने देखा कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको किस तरह की चीज़ों की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं उनको लेके सोसाइटी के साथ चला जाए, उनको सोसाइटी से अलग ना छोड़ा जाए, इसलिए बहुत सारे प्रयास किए गए। बिकॉज दे आर ऑल्सो द बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हम उन्हें अलग नहीं छोड़ सकते हैं। तो इंक्लूजन का मतलब ये होता है समावेशन, यानी कि जो भी डिसेबल्ड है मेंटली और फिजिकली उनको मुख्य धारा में लाना, यानी कि उनको समावेशन करना उनके साथ, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि किसी भी क्लासरूम में, किसी भी एजुकेशन जगह पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में केवल हम नॉर्मल बच्चों को मिले, ठीक है ना, केवल नॉर्मल बच्चों का एडमिशन करें, उनकी पढ़ाई करें। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं किसी भी तरीके के, आइदर फिजिकल, मेंटल, व्हाटएवर, तो उनको हम अलग से छोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए इंक्लूजन का जो मेथड है वो लेके आया है। फर्स्ट हम देखते हैं कि इंक्लूजन का मीट क्या है, ये क्या फोकस करता है, ये फोकस ऑन डाइवर्सिटी है, क्या करता है, फोकस ऑन डाइवर्सिटी, ठीक है ना। जो डाइवर्सिटी का आइडिया है यानी कि विविधता, जो विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, वो शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, वो मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं, तो उनको एक स्थान पर समावेशित करना ही हमारा इंक्लूजन कहलाता है। यानी कि एक ही क्लास में उनकी पढ़ाई नॉर्मल बच्चों के साथ हो, उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखता है कि आप फोकस ऑन डाइवर्सिटी, विविधता पे फोकस करता है। दूसरी चीज ये इंक्लूजन में क्या होता है, दूसरी चीज ये होती है कि जो यूनिक कंट्रीब्यूशन होती है एवरी चाइल्ड, है ना, यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी चाइल्ड, यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी चाइल्ड जो है उसको ब्रिंग्स इन क्लास, यानी कि क्लासरूम में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, हर बच्चे के कंट्रीब्यूशन को क्लास में स्वागत योग्य बनाना, यानी कि उसको प्रमोट करना कि क्लास में हर बच्चे का कंट्रीब्यूशन आ जाए। ऐसा नहीं कि जो तेज बच्चे हैं पढ़ने में या फिर जो फिजिकली फिट है ना, उनकी बातों को ज्यादा वैल्यू दें, और जो भी किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत डिसेबल है उनकी कंट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट करें, तो उसको भी नहीं करना है। इसलिए इंक्लूजन का मेथड आया, तो हमें सबकी कंट्रीब्यूशन को इक्वली हमको इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि एवरी चाइल्ड फील सेफ, ठीक है ना, कि हर बच्चा क्लासरूम में पढ़ने वाला हर बच्चा स्वयं को सुरक्षित एवं इंडिपेंडेंट महसूस करे, ठीक है ना, उसकी किसी भी डिपेंडेंसी ना रहे, वो स्वयं को उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए वो खुद को सेफ और अच्छा महसूस करे, एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है ना। थर्ड चीज और चीज क्या आ जाती है, एनहांस द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, एनहांस द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। यानी कि जो भी बंधुत्व या भाईचारे की भावना होती है, एक दूसरे से जो जुड़ाव की भावना होती है, यानी अगर बच्चे क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होंगे, टाइप्स ऑफ बच्चे होंगे जिनका कि फिजिकली, फिजिकल और मेंटल लेवल सबका अलग अलग होता है, किसी की फिटनेस अच्छी है, किसी की फिटनेस वीक है, मेंटली रूप सिस्टम है, तो सारे बच्चों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए, उनके उनको आपस में उनकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, उनकी आपस में बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। इसलिए इन कुछ कॉन्सेप्ट को लेके, जो तीन चार कॉन्सेप्ट आपके हैं, इनको लेके इंक्लूजन का जो मोटिव है वो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में दिया गया है कि इंक्लूजन क्यों होना चाहिए, ये रीजन उसका ये, ठीक है ना। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है ना, इंक्लूजन को लाने की जरूरत क्यों है। तो इंक्लूजन की लाने की बस सेम यही है जो मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज द नीड ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन की नीड इसीलिए होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहली बात तो क्या है, द फर्स्ट थिंग इज कि जो भी CWSN चाइल्ड है, ठीक है ना,
CWSN चाइल्ड है, चिल्ड्रंस जो भी है वो क्या करें, वो इंप्रूव करें अपनी सोशल स्किल, इंप्रूव देयर सोशल स्किल। ओके, नीड ऑफ इंक्लूजन, ये क्या पढ़ा है, व्हाई इंक्लूजन नीडेड, ठीक है, नीड ऑफ इंक्लूजन। तो वो क्या करें, अपनी सोशल इंप्रूव देयर सोशल स्किल, यानी कि वो स्वयं को समाज से कटा हुआ ना समझे, यानी कि वो अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जब वो क्लास में सबके साथ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग उनके अंदर होगी, वो एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, आइदर ग्रुप इन आइदर इंडिविजुअल, तो क्या होगा उनके अंदर हेल्प, आपकी काइंडनेस, ये सारी चीज़ें जो भी सोशल स्किल्स होती हैं वो दूसरों से सीखेंगे और उनके अंदर चीज़ें डेवलप होगी, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है जो मैंने आपको बताया, दे फील सेफ, वो स्वयं को सुरक्षित और जुड़ा हुआ दूसरों से महसूस करेंगे। तीसरी चीज क्या हो सकती है, डेवलप द मोटर स्किल्स। मोटर स्किल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मोटर स्किल क्या होती है, जो भी हमारी गति चीजें होती है जो हम चलायमान रूप में करते हैं, उठना बैठना खाना दूसरों को देख के, दूसरों की सहायता से गेम सीखना पढ़ना लिखना बोलना, व्हाटएवर जो भी मोटर स्किल है, उन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट बच्चे एक ग्रुप में एक साथ समायोजित रूप से सीखें। तो इसलिए क्या होता है, इंक्लूजन की हमारी नीड होती है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन नीडेड फॉर दिस थिंग्स। नाउ अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन का कैसे किया जाए किसी क्लास में, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन, भाई नीड हो गई इसलिए ज़रूरी है, क्या है इंक्लूजन ये हमने समझ लिया, अब इंक्लूजन को क्लास में कैसे लागू किया जाए, इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ा टर्म है, इंप्लीमेंटेशन अकेले तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें इंप्लीमेंटेशन की हेल्प करेगी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की, स्कूल स्टाफ की, प्रिंसिपल की, स्पेशल जो भी काउंसलर है, स्पेशल सपोर्टिव स्टाफ होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो उन सारे लोगों का कोलैबोरेशन करना, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या करना कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ठीक है ना, कि इन बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, जो भी आपके स्पेशल नीडेड बच्चे हैं उनको भी स्पेशल हेल्प की जरूरत है, उनके साथ किस टाइप का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उनको सारे बच्चों को इस बात से सारे स्टाफ को उसको अवेयर करना, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन के कुछ स्टेप हैं वो हम यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रिएट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें कि बच्चा स्वयं को सेफ और सक्षम और एक दूसरे से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करे। तो ऐसा हमको सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिसमें कि टीचर स्टूडेंट्स और जो स्टाफ हैं, ठीक है ना, वो सारे लोग क्या करें, एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे की चीजों को समझें और एक बढ़िया सा वातावरण क्रिएट करें इंक्लूजन इंप्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि उनको कहीं से भी ये ना भय हो कि नहीं हमको कहीं से भी दिक्कत होगी, कोई हमको छीटा कसी कर सकता है या मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, हमेशा उनको इंकरेज किया जाए, इस टाइप का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। नाउ दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो टीचर्स स्टाफ्स को ट्रेनिंग दी जाती है उस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे टीचर क्या करे कि ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करे क्लास में कि ये इंक्लूजन का जो आपका मोटिव है वो सक्सेस हो, यानी कि वो वेलकम करे अपने सारे स्टूडेंट्स के विचारों का, उनके थॉट्स का, उनके कोलैबोरेशन को मोटिवेट करे, उनको ये भी मोटिवेट करे कि वो बढ़ चढ़ के हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, कोई भी एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट करें और स्वयं को सेफ महसूस करें और ग्रुप में वर्क करें, ये सारी चीज़ें क्या हैं,
इसको प्रमोट किया जाए ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेनिंग, एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, ठीक है ना, मेक स्ट्रेटजी, ठीक है ना। हम दूसरा क्या कह सकते हैं, मेक स्ट्रेटजी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, थर्ड थिंग, थर्ड थिंग हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल और अदर स्टाफ है वो क्या करेगा, उसको कोऑपरेट करेगा, ठीक है ना, कोऑपरेशन, इसको आप कोऑपरेशन भी कह सकते हैं, कोऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड अदर स्टाफ, अदर स्टाफ। तो क्या है कि जो प्रिंसिपल है वो कोऑपरेट करे और ये मैसेज शेयर करे बच्चों के बीच में, अपने स्टाफ के बीच में, समाज के बीच में, कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो भी किसी भी तरीके से किसी ना मेंटली और फिजिकली कहीं ना कहीं से वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह नहीं है, उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, इस टाइप का एक मैसेज ये स्टाफ लेवल से आपके लिए सोसाइटी लेवल पर जाना चाहिए। नाउ उसके बाद क्या होता है कि जो भी लाइबल पर्सन है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग टू लाइबल पर्सन, प्रॉपर ट्रेनिंग टू लाइबल्स, लाइबल पर्सन आप कह सकते हैं। तो जो भी इन चीजों में इन्वॉल्व जिम्मेदार हो, जैसे कि टीचर हुए, सपोर्ट स्टाफ हुए, इन सबको क्या है कि इनको इस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि फिजिकली और मेंटली इम्पॉर्टेंट बच्चों को के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे इंक्लूजन के मेथड को उनके साथ अडॉप्ट किया जाए, कैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स और जो भी आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एक साथ कोलेबरेट किया जाए, ठीक है ना। इसकी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए तभी ये वर्क को ईजिली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेप है जिसके थ्रू जो है हम इंक्लूजन की अवधारणा को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके क्लास में, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज इंक्लूजन, व्हाई इट विल बी नीडेड एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंक्लूजन का। नाउ आई होप आपके समझ में इंक्लूजन का जो ये टॉपिक है ये आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स आपको दी गई हैं, आप उसकी हेल्प लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्टिकुलर मेरे नंबर पे फोन या मैसेज कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।